पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। ये अतिशय सौभाग्य का विषय है ये श्रद्धा भी बड़ी विकट चीज है, दिमाग काम नहीं करता कई बार। ये तो भगवान की महती कृपा है कि हम लोगों को अपने पावन सान्निध्य में रख कर अपनी दिव्य कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था हरि कथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और गौण क्या होता है। कोई भी कार्य का दो प्रकार के फल होते हैं, एक मुख्य और एक गौण। एक प्राथमिक और दूसरा उसके बाद का। हरि कथा का जो प्राथमिक प्रयोजन क्या है, शास्त्र कहते हैं भगवत प्राप्ति, भगवत सिद्धि। क्यों? क्योंकि हरि कथा और हरि में कोई भिन्नता नहीं है, वो एक वस्तु है, वो दो नहीं है वहां पर। इसीलिए जब हम हरि कथा चर्चा करने लगते हैं, हरिचर्चा करने लगते हैं, तो हम हरि को प्राप्त कर जाते हैं। क्यों प्राप्त करनी हमने भगवान को? क्योंकि भगवान ही इस अनंत ब्रह्मांडों का सृष्टि स्थिति एवं लय का आदि कारण है और साथ ही उनका अपना कोई भी कारण नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति करते हुए यह बात उद्घोषित किया, बतलाया, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, जो तमाम कारणों के मूल कारण हैं, उनका जब हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमें और कहीं खोज करने की अथवा किसी और स्थान को प्राप्त करने की मांग नहीं रहता है। नहीं तो जो चेतन तत्व का स्वभाव के अंदर, चेतन तीन तत्वों से बनता है, इच्छा क्रिया अनुभूति। ये इच्छा क्रिया अनुभूति जिसके अंदर है वो स्वरूप से सच्चिदानंद होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो चेतन तत्व है जिसके अंदर इच्छा है, क्रिया है, अनुभूति है, और ये इच्छा की विशेषता ये है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं। जब अंत नहीं है तो फिर शांति भी नहीं। क्यों? क्योंकि यात्रा जो है चल रहा है, उसने तो अपनी इच्छा का चरम गंतव्य तक पहुंचा ही नहीं।
जिसने अपने चरम स्थान तक यात्रा नहीं किया उसका अवस्था एक यात्री का ही अवस्था है। अपना बोरी उठा के लेके चल रहा है, अभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। इच्छाएं भी हमारे बिल्कुल वैसा ही है। उदाहरण के लिए अगर हम चिंतन करें, हम परमाराध्य गुरुदेव से कई बार इस बात को श्रवण किया, जिसके पास 10 रुपए होता है उसका इच्छा होता है कि मेरे पास 100 हो, 100 वाले का इच्छा होता है 1000 हो, 1000 वाले का इच्छा होता है 10000 हो, 20000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, अरब खरब, करते 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 स्वर्ग का राजत्व चाहिए, ब्रह्मा का पद भी चाहिए। इसीलिए वहां पे बता दिया 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र का पद को प्राप्त कर सकता है। संन्यास को ग्रहण करके वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है, मतलब जीव की इच्छा के अंदर ब्रह्म पद को प्राप्त करने की अभिलाषा है। ये उसकी विशेषता है। इच्छा कभी अंत होता नहीं। इच्छा कहां पे जाके स्थिर हो जाता है, जहां पर उसके आगे और कुछ इच्छा करने के लिए बाकी नहीं रह जाता। ऐसा कौन है? वो बोलते केवल भगवान है। इसीलिए बोल दिया सर्व कारण कारण। और कौन है? अनादि आदिर गोविंदा, जो आदि मध्य एवं अंत से रहित है। अक्सर लोग सोचते हैं आदि मध्य और अंत से युक्त है करके, लेकिन भगवान इनसे रहित हैं। भगवान में ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। इसीलिए बोलते हैं अनादि आदिर गोविंद, जो कि तमाम कारणों के आदि कारण मूल कारण है। उनको जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं। और इतना ही नहीं कि उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि जिसकी प्राप्ति पूर्णता को प्रदान करता है उसको पाने के बाद अभाव का अनुभूति भी नहीं रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं, वही ठीक टाइम है ना, भगवान की प्राप्ति। इसीलिए शास्त्र बोलते यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तं भवति। उस एक को पा लेने के बाद तुमने सब कुछ पा लिया। क्यों? क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, बोलते जिस प्रकार से एक सूत्र के द्वारा अनेक मणियों को गुथा हुआ होता है हार की तरह, बोलते उसी प्रकार मेरे से ही जुड़कर सब कुछ है। और मैं स्वयं कौन हूं? बोलते मैं ही सभी का प्रभु हूं और मेरे से परे कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब तुम मुझे प्राप्त करोगे उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। और मैं कौन? महेश्वर हूं, पूर्ण हूं। इसलिए मुझे प्राप्त करने के बाद तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया हुआ होता है। और भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से है? भगवान की प्राप्ति पूर्ण सत, पूर्ण चित, पूर्ण आनंदमयी प्राप्ति है। इसीलिए जीव सच्चिदानंद होने के कारण सच्चिदानंद जीव का जो सद इच्छा है, आकांक्षा, वो पूर्ण सद गोविंद के चरणों में जाने से ही सिद्ध होता है।
हम लोग हमेशा रहने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन शरीर में, देह में मैं बोलकर के भाव होने के कारण हम लोगों को बार बार मरना पड़ता है। यद्यपि हम तात्विक रूप से मरते नहीं हैं, लेकिन देहाभिमान के कारण हमको मरना पड़ता है। इसीलिए यद्यपि हम सनातन होते हुए भी अपने आप को सनातन अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण सनातन तत्व भगवान के चरणों में जाके पहुंच जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? हमारा सच्चिदानंद के अंदर का जो सद तत्व है वो सार्थक हो जाएगा, है ना? क्योंकि मरेंगे नहीं, अब शाश्वत पद को प्राप्त कर जाएंगे, अविनाशी पद को, नित्य पद को प्राप्त कर जाएंगे, फिर उधर मरने के लिए गुजाए नहीं। जब मरेंगे ही नहीं, पुनः लौटने का भी कोई बात है ही नहीं। और दूसरा विशेषता ये है, ये संसार की तरह का तत्व नहीं है। वहां वो बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, निवृत्ति नहीं है। चलो एक जगह पहुंच गए, फंस गए, बोलते नहीं वहां तुम्हें निवृत्ति भी नहीं है। निवृत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोलते हैं वो पूर्ण चिन्मय धाम है, ज्ञानमयी धाम है और आनंदमयी धाम है। इसीलिए वहां जाने के बाद जो आनंद का प्राप्ति जीव को होता है, वो आनंद सनातन एवं ज्ञानमय होने के कारण प्रतिक्षण वर्धित होता रहता है। जिस वस्तु के अंदर ज्ञान का भाव है या नित्यता का भाव है, उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाला जो आनंद है वो भी शुष्क और क्षणिक ही हो सकता है। इसीलिए जैसे इस संसार के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि सनातन है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर ज्ञान है। व्यक्ति में भी यही स्थिति है अगर हम विचार करके देखें, क्योंकि देहाभिमानी होने के कारण, शरीर में मैं बुद्धि रखने के कारण, सबसे पहले इसी भ्रम में वो पैदा होके चल रहा है, एक दिन मुझे मरना है। और भगवान भी इस बात को घोषणा दे रहे हैं, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, पैदा हुआ तो निश्चित रूप से तुमको मरना ही होगा। क्यों? देहाभिमान है। लेकिन वही भगवान अर्जुन को बतला रहे, तुम जब अपने आप को समझ जाओगे तुम्हें यह पता चल जाएगा, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार से फटा हुआ वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करके व्यक्ति बैठता है, उसी प्रकार से तुम जो है, क्या बोलते हैं, अविनाशी, अजो नित्य शाश्वतो अयम, न हन्यते अन्य माने शरीर, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदे अंत्यापो, न शोषयति मारुतो। ना तो तुम्हें कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है। तुम कौन है? अजन्मा हो। एक जगह बोल रहे हैं जातश्री ध्रुव मृत्यु, क्यों? देहाभिमानी व्यक्ति के लिए मरना पड़ता है, और मरणशील व्यक्ति जितने भी हैं वो व्यक्ति का ज्ञान जो है वो सीमित होता है। सीमित ज्ञान होने के कारण और मृत्यु का भय के द्वारा आवृत रहने के कारण वो अपने जीवन में आनंद का अनुभूति कभी भी नहीं कर पाते। यद्यपि सच्चिदानंद है, लेकिन सच्चिदानंद का अनुभूति उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता है। सब समय अपने आप को अज्ञानी अनुभव करते हैं। उसका कारण है कि वो लोग सनातन हैं, नित्य वस्तु हैं, इस बात का समझ उनको होता नहीं है। इसीलिए उनके जीवन में केवल दुख रहता है, आनंद नहीं रहता है। इसीलिए बोला हरि को जब प्राप्त करेंगे, भगवत प्राप्ति जब करेंगे, तो
तो लाभ क्या होगा? भगवान की कृपा से, भगवान पूर्ण सच्चिदानंदमयी तत्व होने के कारण जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा। और जैसे ही जीव गोविंद को प्राप्त करता है, न निवर्तन्ते, वहां पर उसको निवृत्ति नहीं होता है। निवृत्ति नहीं होता, बोलते हाँ क्यों? प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जितना भगवान के संबंध में, भगवान के सेवा में, उनके चरणों में डूबता है, उतना ही अतः आनंद का, पूर्ण आनंद का अनुभूति को आस्वादन करता हुआ अपने आप को धन्य अनुभव करने लगता है। इसलिए वहां निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति तब होता है जब रस का एक प्रकार का भाव हो, जैसे रसगुल्ला है, ये राजभोग, गुलाब जामुन इत्यादि कुछ भी है, उसका स्वाद एक जैसा है। इसीलिए एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, उसके बाद निवृत्त हो गया, उसको इच्छा नहीं होता और खाने का। कितना भी पसंद हो, देने से बोलता है नहीं नहीं भैया और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद साई है, वस्तु स्थूल है और देह भी स्थूल है और सीमित है। लेकिन वहां पर स्थूल देह होता ही नहीं है, वहां पर सिद्ध देह होता है, चिन्मय देह होता है। और चिन्मय देह क्योंकि गोलोक का देह है, इसीलिए वो अनंत होता है, गोविंद की तरह। समझ में आता है? थोड़ा कठिन है और मैं अभी विश्राम दे दूंगा, कोई चिंता नहीं। आठ बजे आरती है, देखते हैं, है ना? तो इसलिए वह वस्तु का क्या होता है, इतनी सारी सीमाओं के बीच में वो वस्तु कभी भी हमें तृप्त नहीं कर सकता है। लेकिन गौलोक का जो देह है वो तो चिन्मय देह है, वो तो अप्राकृत देह है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा, भगवान का तो अप्राकृत होता ही है। भगवत पादपद में आश्रय जिन्होंने ग्रहण किया, उनका दिव्य कलेवर भी प्राकृत नहीं हो सकता, वो भी चिन्मय हो जाता है। और गोलोक का वपू तो फिर कहना ही क्या। और दूसरा, वहां पर आनंद का अभिव्यक्त करने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, उनको स्थूल गिनती में नहीं लिया जा सकता, वो तो चिन्मय वस्तु है। और चिन्मय वस्तु का एक विशेषता है, वो एक एक वस्तु, एक एक पग पे आनंद की जो अनुभूति है उसको वर्धित करता हुआ, बढ़ाता हुआ चला जाता है। इसीलिए जब आनंद का अनुभूति जो पूर्व में जैसा है उससे और अधिक वर्धित होता हुआ आगे मिलता है, उसके आग और आगे वर्धित होता हुआ मिलता है, जैसे बढ़ता है, इसीलिए कोई भी उसको निवृत्त नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि भगवान बांध के रखते हैं, जीव गोविंद के चरणों में बंध जाता है। संबंध तो है ही, नित्य संबंध। जिस प्रकार बच्चा मां के साथ लिपट जाता है क्योंकि उसका उनके साथ संबंध है, ऐसा ही गोविंद का जीव के साथ में संबंध है। जब जीव अपने उस संबंध को जागृत करके गोविंद के पादपद्म में चला जाता है, तो गोविंद का स्वरूप इस प्रकार से है, स्वभाव इस प्रकार से है, जीव और कहीं पे जाने के लायक नहीं रहता है। क्योंकि आनंद की चरमावधि तक गोविंद जीव को लेके चले जाते हैं अपने साथ, यही वहां की विशेषता है। इसलिए बोलते हैं हरि कथा, हरि नाम में वो आनंद है, वो प्रयोजन है, जहां हमें और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होता, किसी भी और मांग नहीं रहती।
अगर जबरदस्ती ही जीव को बांधना होता तो जीव का जब उत्पत्ति हुआ भगवान के तटस्थ शक्ति से, उसी समय भगवान जीव को अपने शरण में जबरदस्ती बांध के रख लेते। लेकिन भगवान जबरदस्ती का काम नहीं करते। भगवान का विशेषता है वो प्रेम देना जानते हैं, प्रेम करना जानते हैं, जीव से प्रेम ही करते। कल मुझे किसी ने पूछा कि भगवान योगक्षेम वाहन करते हैं, सभी का करते हैं, ऑलरेडी उसमें बोल दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अब वो बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यहम् वाली जो बात है, सिर्फ जो लोग अनन्य चिंतन करते हैं, पर्युपासना करते हैं, नित्य अभियुक्त रहते हैं, उनका ही होता है या सभी का होता है? हर जीव का योग क्षेम भगवान वहन करते हैं। भगवान में पक्षपात नहीं है, हर जीव का योग क्षेम भगवान वहन करते हैं। चाहे क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या कीड़ा, क्या मकोड़ा, कुछ भी हो, कोई भी हो। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य चिंतन में रत रहता है, नित्य अभियुक्त होता है, वही व्यक्ति भगवान की उस कृपा को समझने के अधिकारी होता है। अन्य कोई भी व्यक्ति इसको समझ नहीं पाते। और जो समझता है कि मेरे गोविंद मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, वो व्यक्ति गोविंद के साथ प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता है। कैसे रहेगा वो? ये विशेषता। इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भगवान का प्रेम की ये वैशिष्ट है कि भगवान अपने प्रेम से जीव को इस प्रकार से बांध लेते हैं कि जीव गोविंद के चरणों से निवृत्त नहीं हो पाता। उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं रहता है कि वो भगवान से निवृत्त होकर के कहीं और चला। इसीलिए बोलते हैं हरि नाम में, हरि कथा में इतना लाभ है, मुख्य लाभ। नहीं तो जीव के स्वभाव के अनुसार सुख का अनुसंधान करते हुए, आनंद का खोज करते हुए जीव ना जाने कहां 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 चला जाता। आप इस संसार में ही देख लो, हमको धर्म जाति इन चीजों से क्या लेना देना नहीं है। कोई बोलता है कि वहाँ चल, मंगलवार को तेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, सब छोड़ के वहाँ चले जाते। कोई बोलते वीरवार को यहाँ चल, तेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, सब छोड़ के वहाँ चले जाते। कोई बोलते इस कुछ तो बना हुआ रहता है हरा हरा बिल्डिंग सा, बोलते वहाँ जा, बोलते वहाँ चले जाते। मैं हैरान हो गया, रोड के बीच में बने रहते, पता नहीं क्या है, और कोई प्रतिवाद भी नहीं करता। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में बीच प्लेटफॉर्म में बना हुआ है, मेरी इच्छा पूरी होगी, ये भ्रम के कारण ही तो है लोग वहां पे भी दौड़ के जा रहे हैं। कहने का मतलब है हमको कोई धर्म जाति कोई विचार ये सब है नहीं। जहां लगता है कि मेरा फायदा होगा वहां हम चले जाएंगे। ऐसी बेशर्मी इस संसार में फैल गया। आप ये ना समझे मैं आपको बोल रहा हूं, इस स्वभाव के जो व्यक्ति है उनको बोला जा रहा है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति, ये बात है। तो जीवन में शांति कहाँ है? जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और लास्ट में कुछ भी मिलता नहीं है और डिप्रेस होके बैठ जाते, परेशान होके बैठ जाते। इसीलिए बोला संतों ने, भगवान के चरण में आओ, हरि कथा के आश्रय में आओ, तुम्हारे तपता हुआ जो हृदय है, अनेक प्रकार की वासनाओं के द्वारा उद्विग्न होता हुआ हृदय, जो कि जन्म जन्मों के अंदर प्यास से तड़पता जा रहा है,
उसको शीतल कर देगा भगवान का दिव्य नाम, भगवान की दिव्य कथा। ये विशेषता है, यही मुख्य लक्षण है, मुख्य प्रयोजन है। और ऐसा बांध के रखेगा अपने प्रेम से कि कोई उनसे निवृत्त नहीं हो पाएगा। वहां पर बता दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा में, बोलते आनंदाम्बुरी वर्धनम, भगवान का स्वरूप के तो दूर की बात है, केवल उनका नाम ही किसी ने ठीक से जाप कर लिया, आश्रय ले लिया, वो नाम ही उस व्यक्ति को ऐसी अतः आनंद में डुबा देगा। और वो आनंद का जो अम्बुदी है, अमृत जो है, समुद्र जो है, वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, आदमी उससे ही निवृत्त नहीं हो पाता है भैया। ये मुख्य लक्षण है, मुख्य गुण है हरि कथा का, मुख्य प्रयोजन है। जो हो, समय हो गया है, अभी आगे की चर्चा है, हो गया तो 2-3 मिनट है, डन। अभी जो है